कांग्रेस लोकसभा उम्मीदवार कुमारी सैलजा ने रानिया हलके का दौरा किया। रानिया हलके के डेढ़ दर्जन गांवों का दौरा किया। कुमारी सैलजा ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। गरीब वर्ग के लोगों का हित कांग्रेस ही कर सकती है। कुमारी सैलजा ने पीएम नरेंद्र मोदी के भावुक होने पर दी प्रतिक्रिया। भाजपा के लोगों ने पिछले 10 सालों में देशवासियों के आंसू बहा दिए। पीएम नरेंद्र मोदी के मगरमच्छ के आंसू हैं। मोदी के राज में बहनों में आंसू दिखाई खूब दिए। माँ गंगा के प्रति देश के सभी लोगों की आस्था है। मोदी के 10 साल के राज में अब जनता मांग रही है हिसाब। जनता को हिसाब मोदी सरकार को देना पड़ेगा। पूर्व सीएम मनोहर लाल ने पिछले दिनों सिरसा चुनावी रैली के जरिए कर्मचारियों और अधिकारियों को चेतावनी देने पर सैलजा का तंज। किस आधार पर पूर्व सीएम कर्मचारियों और अधिकारियों को दे रहे हैं चेतावनी? जल्द ही कांग्रेस इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग को करेगी। मनोहर लाल सरेआम सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। भाजपा अपनी हार को दबाने के लिए इस तरह की चेतावनी दे रहे हैं। ग्राउंड स्तर पर अब लोग भाजपा को हरा कर कांग्रेस को सत्ता में लाना चाहते हैं। हरियाणा की सभी 10 सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार जीत हासिल करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस 5 न्याय और 25 गारंटियां दे रही है। हमें अपने मैनिफेस्टो में हर वर्ग के हित की बात रखी है। हम अपने मैनिफेस्टो की बातों को लागू करके दिखाएंगे, जबकि भाजपा केवल बातें ही करती है। भाजपा के पास पिछले 10 सालों में कोई विजन नहीं था। विजन अगर भाजपा के पास होता तो पिछले 10 सालों में विजन लागू करके दिखाते। सैलजा मैडम, चार फेस का चुनाव हो चुका है, बात आंसुओं तक पहुंच चुकी है जी, क्या लगता है? अब देखो, आपने बहुत लोगों को देशवासियों के आंसू बहुत बहा दिए। बहनों के आंसू पहुंचने की बात थी और कहां से कहां महंगाई पहुंच चुकी है। देशवासियों के आंसू आपने निकाल दिए हैं, तो अब इस तरह के जो बोलते हैं ना मगरमच्छ के आंसू, वो ना बहाएं। श्रद्धा हमारी सबकी है, माँ गंगा के प्रति भी है, राम जी के प्रति भी है, हम सब श्रद्धा रखते हैं। तो हम तो देखो, माननीय प्रधानमंत्री जी से 10 साल देशवासियों ने बहुत उम्मीद रखी, लेकिन अब 10 साल बाद देशवासी हिसाब तो मांग रहे हैं ना, ये उनका हक है, हिसाब मांग रहे हैं, हिसाब इनको देना पड़ेगा। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आए थे मंच से, अधिकारियों को चेतावनी देकर गए हैं, इसको किस तरह से देखे? बिल्कुल, ये मिसयूज है सरकारी मशीनरी का, अपने पद का। हालांकि वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सबको पता है कि चेहरा बदला है, व्यवस्था नहीं बदली है, और ये उसी तरह से दमनकारी नीति अपना रहे हैं, चाहे सरकारी मशीनरी पर हो और चाहे किसी और पर। हम भी कहते हैं कि अधिकारियों के जिस तरह से आपने प्रताड़ना की है, अधिकारी भी गलत काम ना होने दें, पैर करें। हम ये नहीं कहते कि भाई हमारा फेवर करें, लेकिन भाजपा डर गई है, उनको ये लगता है कि वो नॉर्मल उसमें हारेंगे, तो इसलिए वो अधिकारियों को चेतावनी दे रहे हैं। हार चुकी है भाजपा, वो अपनी हार को दबाने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। हम शिकायत बिल्कुल इस तरह का माहौल दिख रहा है मैडम। 10 सीटें हैं हरियाणा की और देखो अलायंस की हैं, हमारी इंडिया अलायंस की 1 पर आप पार्टी है, 9 पर कांग्रेस है, और जो अब तक इंडिकेशन हमको आ रहे हैं, अभी हफ्ता जितने भी बचा है, तो लग ये रहा है कि जो एक हाइप बन रहा है कांग्रेस का नीचे जमीन से, हमारे भाषणों पर आप मत करिए, जमीन पर लोगों की बात सुनिए। लोगों में ये बात बन गई है कि अब भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाना है और अलायंस को लाना है। 10 की 10 सीट हम जीतेंगे। मोदी जी की अपने अलग से विजन है, आपका क्या विजन है, कांग्रेस का क्या विजन है? देखो, कांग्रेस का विजन हमने 5 न्याय और 25 गारंटियों का दिया है, हमारा मैनिफेस्टो है, हर एक वर्ग के लिए हमने उसमें बात कही है, और हम करेंगे, हम करके दिखाएंगे। इनका कोई विजन हमें नजर नहीं आ रहा। विजन होता तो 10 साल में कुछ करके दिखाते। विजन इन्होंने रखा केवल अपने अमीर साथियों के लिए, आम नागरिक के लिए कोई विजन नहीं सामने आया। धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना न भूलें।